आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत और अभिनंदन। आज हम कक्षा चतुर्थी विषय पर्यावरण पार्ट दो अणि का परिवार भाग दो के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमने पिछले अध्याय में हमने भाग एक में परिवार तथा परिवार को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें एक होता है संयुक्त परिवार और एक होता है एकल परिवार, उसके बारे में हमने पढ़ा। आज हम उनके बारे में जो समस्या उत्पन्न होती है, चाहे एकल परिवार हो चाहे वो स्वयं परिवार हो, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछले बताया था कि परिवार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है संयुक्त यानी बड़ा परिवार, दूसरा है एकल परिवार। एकल का मतलब होता है छोटा, ठीक है भाई, और बड़ा और छोटा। अब आपको ये देखना है कि जो हमारा परिवार है धीरे धीरे में बड़ा होता है, मैंने आपको पिछले अध्याय में भी पढ़ाया है। अब उनके साथ में अनेक प्रकार की समस्या उत्पन्न होती है। सबसे पहले यह है कि संयुक्त परिवार में क्या समस्या उत्पन्न होती है। देखो संयुक्त परिवार में जो इसका मतलब है बड़े परिवार, क्या होता है बड़ा परिवार। देखो बड़ा परिवार में कम से कम सदस्य है, ठीक है, जैसे कि दादा दादी, ठीक है, पापा मम्मी, ठीक है, चाचा चाची, ताऊ ताई, ठीक है, और उनके सब सारे भाई बहन, कम से कम 20 सदस्य होते हैं। कितने सदस्य होते हैं? अब उनको उनका खाना पीना रहना जो सारी सामग्री उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसको है? केवल दो व्यक्ति को ही, एक तो हमारे ताऊ जी थे और एक हमारे माता पिता या चाचा और चाची, यही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है। तो फिर वो सारे मिलकर एक काम नहीं कर सकते हैं और अपनी आर्थिक स्थिति को भी नहीं सुधार सकते हैं, और आज छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनके घर में उनको हम एक भी चीज हम उनको उपलब्ध नहीं करा सकते, क्योंकि यदि मान लो कुछ एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको, यदि मान लो एक छोटे बच्चे को पेन चाहिए, क्या चाहिए पेन, तो छोटे बच्चे को कितने में ठीक है कम से कम है छह, कितने हैं तो छह है, तो कम से कम आपको एक पेन लेना है, मान लो 5 रुपए पड़ता है तो कम से कम 6 पेन लाना पड़ता है, तो कम से कम 30 रुपए खर्च होते हैं। इसी प्रकार ठीक है अनेक प्रकार जैसे जूते हैं, कपड़े हैं और अनेक प्रकार की जो खाने की सामग्री होती है वह अधिक मात्रा में लानी पड़ती है। इसलिए मतलब है ना संयुक्त परिवार को हम अधिक महत्व नहीं दे सकते हैं। हाँ केवल मिलजुल कर रहना, आपसी सहयोग, आपसी प्रेम, इसके माध्यम से हम रह सकते हैं, लेकिन हम संयुक्त परिवार को भी हम बढ़ावा दे सकते हैं। जैसे कि कोई व्यक्ति मतलब शहर से बाहर जाता है तो वो वापस वो गांव में आकर रह सकता है और अपने परिवार की तरह लालन पालन कर सकता है और वापस वो एक उधर बना अपने दूसरे शहर में जा सकता है काम की तलाश में। अब देखो दूसरा एकल परिवार यानी बोलते हैं उसको बोलते हैं छोटा परिवार, देखो उसमें सदस्य कितने होते हैं केवल 4, माता पिता और भाई बहन, बच्चे कितने होंगे 2, ठीक है, तो वस्तु स्थिति में लेनी पड़ती है 2, यदि मान लो एक पेन का मूल्य 5 रुपए है तो 2+ रुपए में उनका काम पूरा हो जाएगा। और आसानी से पूछ सकते हैं देखो 2 ड्रेस, ठीक है, और खाने पीने की सामग्री, कोई भी मदद चीज चाहिए तो वो आराम से ला सकते हैं। लेकिन यदि मान लो इसमें कोई समस्या हो तो एक महीने में एक बच्चे के, दूसरे महीने में दूसरे बच्चे की आसानी से ला सकते हैं। अब ये तो चीज हो गई, देखो इसका फायदा क्या है कि मतलब छोटा परिवार है, सुखी परिवार है, बड़ा परिवार है और दुखी परिवार है, क्योंकि मतलब ना आज हम देखते हैं कि आर्थिक स्थिति हमारी सही नहीं है, उसको सुधारने के लिए आज हमें छोटे छोटे भागों में या छोटे छोटे परिवार में हमें बांटना पड़ता है। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि
आज इंटरनेट में फायदा तो ये हो गया, लाभ तो ये हो गया, लेकिन उसके साथ में आने वाला नुकसान भी हमें होता है। वो कैसे होता है जानते हैं। चाचा चाची और पिता और माता, ये घर में चार सदस्य हैं। देखो चार तो हो गए हमारे दादा ताऊ ताई चाचा और पिताजी, ये बाजार का सामान लेकर आते हैं, और दादी ताई जी चाची और माता जी जो हमारे घर का काम करते हैं वो आसानी से काम कर सकते हैं। यदि मान लो उसमें से दो व्यक्ति गांव भी चले जाए तो किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, क्योंकि दो व्यक्ति आराम से या मतलब ना चार व्यक्ति आराम से कार्य कर सकते हैं। लेकिन उसका उल्टा एक परिवार है, कैसे भाई? देखो इसमें सदस्य कुल कितने हैं? चार, ठीक है। अब बड़े सदस्य कितने हैं? दो, माता और पिता। यदि मान लो पिताजी काम पर चले जाते हैं तो माता जी अकेली रह जाती है, यदि वो बीमार पड़ जाती है तो उसको कोई देखभाल करने वाला नहीं है, और न ही कोई उसको मतलब डॉक्टर के पास जाता है, और न कोई व्यक्ति उसको उसके मतलब घर का काम कर सकता है, और वो छोटे छोटे बच्चे हैं, वो तो कुछ नहीं कर सकते, वो तो केवल ठीक है मतलब छोटी मोटी कोई चीज लेकर आ सकते हैं। अब इसको सुधारने के लिए हमें बड़े परिवार का भी सहयोग लेना पड़ सकता है, लेकिन जब समय समय आने पर हम अपने चाचा चाची या ताऊ ताई जी को भी हम शहर में बुला सकते हैं और अपना अपना काम कर सकते हैं, लेकिन हम कभी कभी लेकर आ सकते हैं, लेकिन समय एक जैसा नहीं होता है। अब इससे हमें अनेक प्रकार की समस्या का उत्पन्न हो सकती है, फायदा भी है और नुकसान भी है। हम क्या सोचते हैं कि यदि मान लो कोई व्यक्ति हमारे घर पर आता है तो खर्चा अधिक होता है, लेकिन उसके साथ साथ में दूसरी प्रकार की समस्या भी हमारी दूर हो जाती है। जैसे कि मान लो हम दवाई लेकर आते हैं, यदि कोई व्यक्ति बीमार पड़ जाता है तो उसको सुधारने के लिए या उसको निपटने के लिए हमें दूसरे का सहयोग लेना पड़ता है। जैसे कि मान पड़ोसी से भी हम काम में ले सकते हैं, लेकिन पड़ोसी कितने दिन तक आएंगे? एक दिन आएंगे, दो दिन आएंगे, तीन आएंगे, चार पाँच छः सात आठ दस दिन तक, ठीक है। लेकिन हमारे जो परिवार के जो सदस्य हैं, ठीक है, वो हमें एक महीने भी आराम से हम रह सकते हैं उनके साथ में, और हमारा जीवन यापन कर सकता है। इसी प्रकार जो अनेक परिवार है वो है एक परिवार। क्या है? एक परिवार है, उसमें केवल वो भी वो अणी है कोई विकलांग लड़की है। क्या है? विकलांग लड़की। अब वो कुछ भी कार्य नहीं कर सकती और अपनी समस्या दूसरी व्यक्ति को बताती है या दूसरी लड़की को बताते हैं कि मेरे पास में क्या क्या समस्या है और तुम्हारे पास क्या क्या समस्या है। दो सहेलियां हैं, क्या है? एक सहेली जो अणी है उसका छोटा परिवार है, और जो दूसरी सहेली है उसका बड़े परिवार है। वो आपस में बातचीत करते हैं कि एक परिवार के क्या फायदे हैं, और वो बोलते हैं कि जो स्वयं परिवार है उसका क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है उसके बारे में जानकारी देते हैं। इस पाठ में हमें केवल परिवार का अधिक महत्व दिया गया है। धन्यवाद।